2008 में 6 महिलाओं ने शुरू किया बुलेटिन। महिलाएं हाथ से लिखती हैं अखबार, अखबार की फोटोकॉपी गांव में बांटती हैं। महिलाओं ने कलम को बनाया हथियार। इन महिलाओं के जज्बे को सलाम। महिलाएं निकालती हैं खुद का अखबार, हाथों से लिखा अखबार चलाती हैं महिलाएं। पीड़ित और वंचित महिलाओं ने नया संगठन वाहिनी दरबार नाम से निकालती हैं अखबार। अखबार के जरिए उठाती हैं समस्याएं। रीवा के डभौरा गांव की महिलाओं की कोशिश। 10 पन्नों के अखबार की कीमत 10 रुपए। सरकारी दफ्तरों में भी जाता है अखबार। समाज से लेकर सरकार तक, जन संगठनों से लेकर सरकारी विभाग तक, कोशिश बस इतनी कि महिलाओं की आवाज़ दर्ज हो सके। लेकिन आज जिन महिलाओं से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उन महिलाओं ने ना जन संगठनों का सहारा लिया, ना किया सरकार के नुमाइंदों का इंतजार। अपनी और अपनी ही जैसी महिलाओं की आवाज़ बनने अपने हाथों से लिखकर अखबार निकाल डाला। आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। क्या कुछ कह जी बहनी दरबार, हम लगभग आज 10 से 12 साल पढ़ते आ रहे हैं। उसकी विशेषता ये है कि जो हमारी क्षेत्रीय खबरें हैं, हमारे जो गांव है वो देहात में रहते हैं, वहाँ किसी प्रकार का न्यूज़पेपर और ये नहीं जाता है। तो ये बहनी दरबार के माध्यम से किस गांव में क्या घटना हो रही है, क्या समस्या है, ये सब सुनने और जानने को मिलता है। बहनी दरबार में हमने ये खास देखा कि जो इसमें दो बातें हैं। एक सबसे खास बात है कि इसमें अपने ही गांव की क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा ये अपनी ही भाषा में लिखा जाता है, और दूसरी बात यह है कि ये बहुत सरलता से हर महीने हमारे घर तक पहुंच जाता है, सिर्फ 10 रुपए में। और हमारे क्षेत्र के और यहाँ तक कि जो मोस्ट खबरें प्रदेश के ज़िले के भी होती हैं, इसमें छपा रहता है, उसके माध्यम से हमें गाँव तक जानकारी पहुँच जाती है। जी हाँ, हमारे गाँव की भी समस्या थी, जैसे कि पानी की समस्या थी, तो हम लोग ने गांव पंचायत में आवेदन अर्जी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब ये बहनी दरबार की जो सदस्य महिला रिपोर्टर थी, वो जब हमारे गांव आई और ऐसे बैठक के दौरान चर्चा किया गया, तो ये उन्होंने अपने खबर में प्रकाशित किए। लगभग उसके एक महीने बाद मेरे यहाँ का ये जो पानी की समस्या था, बहनी दरबार के द्वारा वहाँ ठीक किया गया। बहनी दरबार के शुरुआत 2008 में है, और डभौरा के अम्बेक्टर नगर दलित महिला कैलसिया के उसके साथ पानी में छुआछूत भेदभाव को लेकर गांव में जो मोहल्ला में हैंडपम्प लगा था सार्वजनिक जगह में, यहाँ के वहाँ सार्वजनिक महिला सामान्य महिला उसके साथ पानी को भेदभाव लेकर छुआछूत की। और फिर कैलसिया बहनी हमारे पास आई तो कहीं कि हमारे साथ छुआछूत करती हैं, बाल्टी डिब्बा फेंक दें, उसके बाद कहीं कि चला एक FIR किन जाए, तो FIR थाने में गंध हमारे लोग FIR नहीं लिखा गया। एक वजह से एक बार गन, दुई बार गन, तीसरे बार फिर हम कहें बहन दरबार के एक संगठन कहें बनावा जाए, 10 महिला मिल के इनके मोहल्ला के फिर एक संगठन बनान, उनका नाम रखन बहनी दरबार। बहन दरबार एक स्वैच्छिक संगठन है कि गांव में एक बघेली भाषा में लिखा जाए, जो हमारा क्षेत्रीय भाषा बघेली भाषा होता है, तो गाँव में जो महिला बघेली भाषा में बोलते हैं वही भाषा में हम चो बहन दरबार लिखब शुरू कर दें। बहनी दरबार तो इसमें पाठक तो 3000 महिला हैं, और इस 3000 उसमें पंक्तियाँ भी निकाली जाती है, 5 पन्ने के 10 पेज के जो है, तो 25 से 25 तक बैठक होती, 25 के बाद 25 से 30 तक लिखी जाती है। और खबरें पहले गांव में जाकर जो हमारी सदस्य महिला हैं और जो पाठक हैं गांव की जो होती हैं, तो अपने गाँव की समस्या बताती हैं फ़ोन के माध्यम से, फिर मीटिंग के माध्यम से उनको बुलाया जाता है 25 तारीख को, तो गांव से अपने खबर लाती हैं, और जो फिर उसके बैठक में संशोधन किया जाता है, कौन बात सही है, कौन लिखना चाहिए न लिखना चाहिए, चर्चा होती है, उसके बाद फिर 25 से बैठक के बाद 26 से 30 तक में लिखा जाता है। खूबियाँ यही है जो बघेली भाषा में लिखी जाती है, और गाँव की महिलाएँ इसको बड़े आराम से पढ़ लेती हैं और समझ लेती हैं अपने समाचार को, और जो जिनका समाचार होता है उनको खास कर दिया जाता है, और जो हमारे सदस्य होती हैं गाँव गाँव जाकर उन्हें पहुँचाती हैं। शासन प्रशासन तो बहन दरबार के लिए कोई सहयोग नहीं किया। इसके बाद जो इसका अन्याय अत्याचार होता है, जो मुद्दे होते हैं जिसको हम मुद्दे को उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए सहायता होती है। अब शासन प्रशासन से सहायता चाहती हैं, अगर अच्छा है तो करें, नहीं तो हम लोग संगठन है, महिलाओं का संगठन है, खुद का मैं हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे।
और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो न्याय तो मिलेगी। ये पत्रिका पढ़ते हैं तो सुन जान करके ये पत्रिका पढ़ते हैं या 2008 से क्यों पढ़ते हैं आप ये पत्रिका? ये पत्रिके हमको अच्छा लगता है पढ़ने में तो इसलिए पढ़ते हैं। पत्रिका पढ़ने लायक होता है इसलिए कि इसमें सब जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है कि किसी के दुख होता है, किसी के कौनो बात की वो होती है, इसलिए पढ़ते हैं। कितने रुपए? हमको 10 रुपए मिलता है। कौन पहुंचाता है? लोग पहुंचाते हैं।